मेरी तरफ से शानी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को सलाम अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे वस्ती अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाकया एक मुल्क की, जिसे यंग कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी की उम्र 24 साल से कम है, यानी इस मुल्क में मौत की शर्रा बहुत ज्यादा है। दूसरी जानब, इस मुल्क को कंट्री ऑफ डेथ यानी मौत का मुल्क भी कहा जाता है। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के हर 1000 अफराद में से 23.4% लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा हम आपको इस मुल्क के बारे में बहुत सी ऐसी बातों से आगाह करेंगे जिनसे आप पहले ना वाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश की जाती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अंगोलिया। अंगोलिया, जिसे जमहूरिया अंगोलिया के नाम से भी जाना जाता है, इस मुल्क के जनूब में नेबिबिया, शमाल में जमहूरिया कांगो, मशरिक में ज़ेम्बिया, जबकि मगरिब में बहरे ओकियानूस वाक़या है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत लुआंडा है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा भी रखता है। अंगोलिया की तारीख की जानिब आए तो इस इलाके के कदीम तरीन आबादकारों में ख्वाइसन कबाइल के शिकारी और चरवाहे शामिल थे। बाद अजां इनकी जगह बंटो कबाइल आए, ताहम ख्वाइसीन कबाइल आज भी यहां पर मामूली तादाद में मौजूद हैं। बंटो कबाइल मौजूदा कैमरोन की जानिब से यहां आए थे। जुग्राफियाई तबार से आज के अंगोलिया का रकबा 15वीं सदी के आखिर में पहली बार पुर्तगालियों के कब्जे में आया और फिर इन्होंने अंगोलिया को यूरोपी हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया के साथ तजारत के लिए इस्तेमाल किया। फिर इसी तरह पुर्तगाली बतदरीज साहिली इलाकों पर कब्जा करते गए। पुर्तगाल की जंग के दौरान फायदा उठाते हुए वलंदेजियों ने 1641 से 1648 तक मुकामी लोगों की मदद से लुआंडा पर कब्जा कर लिया। 1648 में एक बहरी बेड़ा लुआंडा को वापस मिल गया और फिर इसी की मदद से वो अपने दीगर इलाकों को बाजियाब करवाने लगे। 1880 की दिहाई तक कुछ फायदे हासिल होते रहे, लेकिन फिर 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस ने इस नौ आबादी की सरहदों का तायन कर दिया और फिर इसी वजह से बरतानवी और पुर्तगाली सरमायाकारों ने कानकन्नी, रेलवे और जरात के मैदानों का रुख किया। ताहम 20वीं सदी ही में पुर्तगाल इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा करने के काबिल हो सका और 1951 में इसे पुर्तगाल का समुन्दर पार सूबा बना दिया गया। पुर्तगाली तकरीबन 500 साल तक अंगोलिया में मौजूद रहे। फिर 1950 की दिहाई में सियासी जमातों ने मुनज़्ज़म होकर अपने हकूक मांगना शुरू किए और फिर बहुत सालों की मुसल्ला लड़ाइयों के बाद 11 नवंबर 1975 को पुर्तगाल में होने वाले इनकलाब के दौरान अंगोलिया ने आज़ादी हासिल कर ली और अंगोलिया की आज़ादी के बाद अंगोलिया का कौमी परचम ही इस्तेमाल किया गया और फिर इसके बाद पुर्तगाल के नए इनकलाबी रहनुमाओं ने जमहूरी तब्दीलियों का अमल शुरू किया और अपनी समुंदर पार अफ्रीकी नौ आबादियों की अलहदगी को तस्लीम किया। नवंबर 1975 में आज़ादी के बाद अंगोलिया में इंतहाई तबाहकुन खाना जंगी शुरू हुई, जो कि कई दिहाइयों पर मोहित थी और लाखों बेगुनाहों के नाहक कत्ल की जिम्मेदार भी थी। पुर्तगाल में होने वाले मुजाकरात और इंतहाई शदीद सियासी और समाजी दबाव के बाद तीन मुसल्ला छापामार ग्रोहों ने जनवरी 1976 में आरजी हुकूमत के क्याम का फैसला किया। ताहम सिर्फ दो ही महीनों के दौरान ये ग्रोह फिर से एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हो गए और फिर इन्होंने अपने अपने जेरे कब्जा इलाकों पर अपनी हुकूमतें कायम कर लीं और आलमी ताकतें जल्द ही इस जंग का हिस्सा बन गईं, जो कि सर्द जंग का इंतहाई अहम मरहला बन गया। अमेरिका, कोंगो और जनूबी अफ्रीका एक ग्रोह, जबकि रूस और क्यूबा दूसरे ग्रोह की हिमायत कर रहे थे। मईशत की बात की जाए तो अंगोलिया की मईशत हालिया बरसों में तब्दीलियों का सामना कर रही है। कुछ अरसा कबल तक यही मईशत चौथाई सदी से खाना जंगी का शिकार थी और अब यही मईशत अफ्रीका की तेज तरीन तरक्की करती हुई मईशत है। 2001 से 2010 तक अंगोलिया की मईशत ने 11.1% रफ्तार से तरक्की की है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। 2004 में चाइना ने अंगोलिया के लिए $2 अरब का कर्जा मंजूर किया, जो कि बुनियादी ढांचे की तरक्की पर इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इस कर्जे से आलमी मालियाती फंड का असर अंगोलिया में कम हुआ। द इकोनॉमिस्ट ने 2008 में एक रिपोर्ट दी थी कि अंगोलिया की मईशत का 60% हिस्सा तेल और हीरों से आता है।
और मुल्की तरक्की का तकरीबन मुकम्मल इन्हसार तेल की बढ़ती हुई पैदावार पर है, जो कि 20 लाख बैरल रोजाना तक हो चुकी है। और इसी वजह से दिसंबर 2006 में अंगोलिया को ओपेक का रुकन भी बना दिया गया। 2002 के अमन मुआहदे के बाद 40 लाख अफराद अपने घरों को वापस लौट आए हैं और ज़रई सरगर्मियां फिर से अरूज पर हैं। अगरचा मुल्क की मईशत तेल की बढ़ती हुई पैदावार और सियासी इस्तेहकाम की वजह से तरक्की कर रही है, ताहम इस वक्त अंगोलिया को समाजी और माशी मसाइल का सामना है। और यही वजह है कि अंगोलिया की तकरीबन निस्फ आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। एक अंदाजे के मुताबिक देहातों की 58% जबकि शहरों की 19% आबादी गुर्बत की सतह के नीचे जिंदगी गुजार रही है। और इसी वजह से इंसानी तरक्की के इशारिया में अंगोलिया मुसलसल सबसे नीचे रहने वाले मुमालिक में शुमार किया जाता है। दी हेरिटेज फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की पैदावार बढ़ने से अंगोलिया अब चीन को तेल मुहैया करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। 1975 में आज़ादी से कबल अंगोलिया जनूबी अफ्रीका में ब्रेड बिस्किट यानी गल्ले और गजाई जनाज की पैदावार का मरकज था। अंगोलिया से केले और कॉफी की बरामदात दूसरे मालिक को की जाती थी, ताहम खाना जंगी से जरखेज जमीनें तबाह हो गईं और अभी भी हर जगह बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। रकबे और आबादी की बात की जाए तो अंगोलिया का कुल रकबा 12,46,620 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से अंगोलिया दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क है, जबकि अंगोलिया की कुल आबादी 1,84,98,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अंगोलिया में 2007 के आखिर तक 12,100 मुहाजरीन और 2900 तारिकीने वतन मौजूद थे। इसके अलावा मुल्क में 4,00,000 तारिकीने वतन अवामी जमहूरिया कांगो से 30,000 पुर्तगाली और 1,00,000 से जायद चीनी बाशिंदे भी आबाद थे। मजाहिब की बात की जाए तो अंगोलिया में करीबन 1,000 से जायद मुख्तलिफ मसीही ग्रोह मौजूद हैं। इनमें निस्फ से जायद तादाद रोमन कैथोलिक हैं, जबकि मगरबी अफ्रीका और दीगर ममालिक से आने वाले अफराद की ज्यादातर तादाद मुसलमान है जो सुन्नी अलकीदा हैं, ताहम इनकी तादाद कुल आबादी का तकरीबन 1% है। सऊदी अरेबिया इस कोशिश में है कि इसके फुकहा से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तादाद बढ़ जाए। इसके अलावा यहाँ पर लादीन अफराद की तादाद भी काबिले जिक्र है, जबकि कदीम अफ्रीकी मजाहिब भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। बात की जाए मौसम की तो अंगोलिया का सालाना औसत साहली दर्जा हरारत सर्दियों में 16 डिग्री जबकि गर्मियों में 21 डिग्री रहता है। यहाँ कुल 2 मौसम होते हैं, नम मौसम नवंबर से अप्रैल तक जबकि खुश्क मौसम मई से अक्टूबर तक रहता है। अंगोलिया में बोली जाने वाली जुबानों और तालीमी निज़ाम पर रोशनी डाली जाए तो अंगोलिया में मुकामी कबाइल की जुबानों के अलावा पुर्तगाली भी बोली जाती है। ओमेंडो, केमेंडो और केकेंगो बड़ी जुबानें हैं। इसके अलावा पुर्तगाली जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा भी हासिल है। तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो कानूनी तौर पर अंगोलिया में 8 साल तक तालीम लाजिम और मुफ्त है, लेकिन स्कूलों की इमारात और तदरीसी अमले की कमी की वजह से शराय ख्वानदगी बहुत कम है। अंगोलिया में सबसे मकबूल खेल बास्केटबॉल है, लेकिन अंगोलिया का कौमी खेल फुटबॉल है। दिफाई निज़ाम की बात की जाए तो अंगोलिया की मुसल्ला अफवाज का सरबराह चीफ ऑफ स्टाफ कहलाता है, जो कि वजीर दिफा के मातहत काम करता है। अंगोलिया की फौज बर्री, बहरी और हवाई फौज पर मुश्तमिल है। कुल अफरादी कुव्वत 1,10,000 है और यहाँ ज्यादातर रूसी साख्त का असला इस्तेमाल होता है, जबकि तरबियत के लिए ब्राजील और मगरबी साख्त के जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अंगोलिया की कौमी पुलिस में पब्लिक ऑर्डर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट, माशी सरगर्मियों की तफ्तीश और तहकीक, टैक्स और सरहदी देखभाल वगैरह के महकमे शामिल हैं। अंगोलिया का सेहती निज़ाम बेहद नाकिस है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ आम पाई जाती हैं, जिनमें हैजा, मलेरिया, अमराज़े कल्ब और बुखार वगैरह शामिल है। इसके अलावा यहाँ एड्स की शरह भी बहुत बुलंद है। अंगोलिया में शीरख्वार बच्चों की शरह अमवात दुनिया की बुलंद तरीन शराहों में से एक है। यहाँ की सकाफत पर रोशनी डाली जाए तो पुर्तगाली अंगोलिया में करीबन 400 साल से ज्यादा अरसे तक मौजूद रहे हैं और नतीजतन दोनों ममालिक में मुश्तरका सकाफती इक्तदार, मसलन तालीम और मजहब वगैरह मौजूद हैं। ताहम अंगोलिया की अपनी सकाफत बंटो कबाइल से ताल्लुक रखती है, जिस पर पुर्तगाली असरात वाजिया हैं।
انگولیا میں نقل و حمل کے ذرائع درج ذیل نکات پر مشتمل ہیں۔ ریلوے کے تین نظام جو کل 2761 کلومیٹر طویل ہیں، 76,626 کلومیٹر طویل شاہراہیں بھی موجود ہیں، جن میں 19,156 کلومیٹر پختہ سڑکیں بھی موجود ہیں۔ 1,295 کشتی رانی کے قابل دریا وغیرہ اور اس کے علاوہ 8 اہم بندرگاہیں بھی موجود ہیں۔ 243 ہوائی اڈے بھی یہاں پر موجود ہیں، جن میں سے 32 پختہ ہیں۔ شہروں اور قصبوں سے باہر شاہراہوں کے سفر کے لیے بالمعمول فور ویل ڈرائیو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ انگولیا کی خام ملکی مجموعی پیداوار 2017 میں 1,24,20,93,85,825 امریکی ڈالر تھی اور فی کس پیداوار 4,101 امریکی ڈالر تھی۔ انگولیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹہ پیچھے ہے۔ اس ملک میں ڈرائیونگ بائیں طرف کی جاتی ہے اور اس ملک کی کرنسی انگولن کوانزے ہے۔ یہاں کے موجودہ صدر کا نام جواو لورینسو ہے اور یہاں کا کالنگ کوڈ +244 ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔